मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के मेज़बानी करने का जो श्रेय है वो हरियाणा को दिया गया है। अभी हाल ही में हरियाणा में 4 जून से 13 जून के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों के दौरान ही आपसे ये बता दिया जाएगा कि आप कौन कौन से ऐसे खेल हैं, इनको कब शुरुआत की गई है उसके बारे में, और खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2021 का हरियाणा के पंचकूला कुरुक्षेत्र अम्बाला में किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुल गेम कितने हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 25 गेम हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से गेम शामिल किए गए हैं। इसमें 5 गेम स्वदेशी गेमों को भी शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम में का जो मशाल को जलाना, इसका मैस्कॉट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सीएम ने कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम का मशाल रथ रवाना कर दिया गया है और बोले देखने जरूर आएं। खेल गुरुग्राम में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मीटिंग 2021 की प्रोफेशनल सेरेमनी में लोगों को जर्सी मस्कट लॉन्च किए गए। अब बात करें गुरुग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के 2021 में जो हम बात कर रहे हैं कि इसका सुनिश्चित करके अधिक से अधिक भागीदारी और जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार से गुरुग्राम में एक प्रोफेशनल कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और मैस्कॉट लॉन्च किया गया, इसकी जर्सी लॉन्च की गई तथा लोगो भी इसका जो लॉन्च किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं, उसने नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी के हॉल में खेलो इंडिया यूथ गेम का 2021 का शुभंकर तैयार किया गया है। इसमें हम क्या कहें, लोगो शुभंकर जर्सी और मस्कट लॉन्च कर दिया गया है तथा प्रदेश में एक मशाल रथ का रवाना कर दिया गया। सीएम ने प्रदेश के खिलाड़ियों व विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वे अपने मनपसंद खेलों को देखने के लिए जरूर आएं और इन खेलों के लिए जो पारंपरिक शुभंकर हैं, काला हिरण और विजय टाइगर और हरियाणा का शुभंकर धाकड़ बैल भी इसमें खींचा गया है, और पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाला, शाहबाद, दिल्ली में होने वाले देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेंगे। और भाग लेने के लिए हम बात करते हैं हरियाणा के जवान किस यहाँ से मिट्टी सोना उगलती है और खिलाड़ी सोना का पदक लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ओलंपिक्स में मेरे देश की धरती सोना उगले तो हरियाणा की धरती सोना उगल रही है। ओलंपिक्स में 7 पदकों में से 3 पैरालंपिक्स पदक, 19 में से 6 पदक हमारे एशियन गेम्स में। अब बात कर रहे हैं कि एशियन चैम्पियनशिप में बात करते हैं, हरियाणा ने जीते 2020 में 200 से अधिक पदक और दूसरे स्थान पर रहा। प्रथम बार जीतने वाला हम बात करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, 4 से 13 जून के चलने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में काउंटडाउन शुरू हो गया, या 25 दिन शेष रहे, लगभग 600 घंटे बाकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, खेलों को हब बनाने जा रहा है हरियाणा। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ खेलों के मामले में अग्रणी स्थान रहा है। गुजरात एक प्रतिनिधित्व 15 दिन के लिए हरियाणा के लिए आएगा, जिसके तहत इसे खिलाड़ियों को जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 526 करोड़ का विकास जो कि मुख्यमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ रुपये का आधारभूत ढांचे का विकास खंड आवरण किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसर बनकर तैयार हो गया है। अम्बाला में जिम्नास्टिक खेल परिसर में गया, शाहबाद में हॉकी के मैदान और साइकिलिंग ट्रैक के लिए किया गया है। 31 जिला स्तरीय तथा 13 मंडल उपमंडलीय और 163 गाँव में इस पर विकास कार्य सुचारू रूप से जारी किया गया। सब बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप एक बार खेलो इंडिया यूथ गेम आप जरूर देखने आए तथा अपने साथियों को का हौसला अफजाई करें।